ग्वालियर में एक युवक की पत्थर से कुचलकर बहरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम घटना स्थल पर पहुंची। ग्वालियर में वीरपुर बांध के पास अज्ञात लोगों ने युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक की पहचान बेलदारपुरा निवासी पंकज राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात को युवक घर से किसी दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। कोई अज्ञात सब बांध का किनारे पड़ा हुआ है, तो पुलिस ऐसे पहुँची, उसको पता किया तो उसके पास एक आधार कार्ड, उसके पास निशान भी उसकी पंकज पुत्र शिवचरण जाटर निवासी जिंदारपुरा में रहता था। तो उसके घर वालों को बुलाया गया तो कहानी ये आई कि शाम को रात में 11 बजे किसी के बर्थडे मनाने के लिए घर से निकला था, उसके बाद से इसका फोन बंद हो गया। घर वाले चलते थे तो आ गए थे सुबह तक तक ही फोन पहुँच कर खबर मिल रही तो सब आ गए थे। सब उसको सुबह बोले पी एम हो रहा है मेरे तक का, और उसकी चोटों से सब देखने से लग रहा है उसकी हत्या करके बैठ गया। उसके चेहरे पर भी चोट है, उसे मारने में चोट आ रही है। मैं तो अपने घर पर रहता हूँ जी, बेलापुरे में रहते हैं। तो रात को भाई बाबा जी बता रहे थे कि घर से बुला के ले गए हैं 8 बजे, 8-10 बजे के करीब फ़ोन लगाया बर्थडे तक किसी दोस्त का, इनके वहाँ बुला के ले गए हैं। उसके बाद में इनके साथ में वहाँ के लोग बता रहे हैं 2 बजे की रात को घटना हुई है। उनके पवन नाम का लड़का आया, कोई उसने फ़ोन लगाया था, चलो उनके लड़के को भी साथ में ले गए बच्चे को, तो बर्थडे का केक कटवा के नहीं बच्चे को हाल के 2 मिनट में घर पर छोड़ गए। उसके बाद में बहुत उनको ले गए साथ में, तो रात को 2 बजे की घटना बता रहे हैं वहाँ के लोग। रात को 2 बजे उनके मर्डर कर दिया गया वहाँ पर, बिल्ला जे हनुमान बांध पर पत्थरों से मारा है। हाँ जैसे मुझे कोई जानकारी नहीं दुश्मनी की सर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।